हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुल्स प्लस बियर्स। तो अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लास्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारा इंडिकेटर के बारे में जाने हैं, RSI, MACD, स्टोकेस्टिक्स, चॉपिनेस, ADX, इसके बारे में हम लोग पूरा जाने हैं। आज ये थोड़ा एडवांस्ड होने वाला है, तो ये लगभग वही स्ट्रेटेजी है, लगभग उसके आसपास जो मैं लगभग यूज करता हूँ। आप इसको बड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिल सकता है। आज हम लोग कोशिश करेंगे लगभग 80-90% जिसमें हम लोग का विन परसेंटेज हो, एंड रिटर्न्स हम लोग 20% का ऊपर हम लोग टारगेट करेंगे। 10% प्रॉफिट मार्जिन का टारगेट में रखेंगे, लेकिन ओवरऑल रिटर्न हम लोग 20% पे देखेंगे फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो यहाँ पे मैं क्या क्या लगाने वाला हूँ पहले से बता देता हूँ। RSI, जो कि पहले बता चुका हूँ, 55 के ऊपर रहता तो बेटर है। MACD लाइन, इसके ऊपर MACD और MACD सिग्नल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आप देख लीजिए लास्ट वीडियो को। स्टोकेस्टिक्स लगाऊंगा, चॉपिनेस इंडेक्स लगाऊंगा, 61.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, और ADX, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग डायनामिक बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो यहाँ पे माई स्ट्रेटेजीज में हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट स्ट्रेटेजी कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहला चीज जो मैं लिखने वाला हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिए, ये रहेगा बैंक निफ्टी इंडिसेस। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैंक निफ्टी इंडिसेस को यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। इसको क्लिक करने से मैं इसको डायनेमिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पहला रहेगा मेरा सी। तो ये वीडियो हम लोग दो पार्ट में करेंगे, आज हम लोग सी के ऊपर देखेंगे, अगला वीडियो हम लोग पी के ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सी रहेगा, हम लोग लॉन्ग जाएंगे। उसके बाद मैं स्ट्राइक प्राइसेस ओवर एट द मनी जो रहेगा मेरा जीरो यहाँ पे रखता हूँ अभी। एक्सपायरिंग करंट, एक्सपायरी टाइप रहेगा मेरा वीकली, मैं वीकली के ऊपर जाने वाला हूँ। ये लॉन्ग रहेगा मेरा ऑर्डर टाइप, क्योंकि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, और चेंज फ्रीक्वेंसी कैंडल के ऊपर रहूंगा, ठीक है। इसमें आप दो टाइप कर सकते हैं, डे ओपन कर सकते हैं या फिर कैंडल कर सकते हैं। तो मैं कैंडल के ऊपर जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं डन कर दिया। मेरा जो चार्ट रहेगा वो रहेगा 5 मिनट का, 5 मिनट का चार्ट के ऊपर जाने वाला हूँ। बाई रहेगा, यहाँ पे क्वांटिटी लॉट्स लिख देता हूँ 25, ठीक है। 25 में 25 स्लॉट के ऊपर देखने वाला हूँ कितना होने वाला है, ठीक है। तो मेरा जो पहला इंडिकेटर रहने वाला है, तो मैं कैसे जाऊं, तो मैं बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, इंडिसेस का चार्ट, इसके ऊपर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा सिंबल, मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट को लाना है, उसका सिंबल के ऊपर मैं खेलूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा निफ्टी, तो यहाँ पे आ गया बैंक निफ्टी इंडिसेस। अभी इसका मैं क्या करने वाला हूँ, मूविंग एवरेज में जाने वाला हूँ। तो मैं सिंपली लिखूंगा EMA, तो यहाँ पे मैं 9 मूविंग एवरेज को क्या करने वाला हूँ, एक्सपोनेंशियल 9 मूविंग एवरेज जो रहेगा, ये मेरा हायर देन रहना चाहिए मेरा 55। तो इसको मैं कर दूंगा 55, ये मेरा हो गया एक कंडीशन। मैं सब में हायर देन वाला या फिर लोअर देन जो भी रहता है वो फंडा लगाऊंगा, सिर्फ एक में मुझे क्रॉसेस ओवर करना है। मैं चॉपिनेस इंडेक्स में 61.8 को मैं क्रॉसेस वाला करूंगा। दोबारा सिंबल लगाते हैं, इसको एक लाइन पे भी कर सकते हैं, मैं मतलब अलग अलग करके दिखा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी रहेगा। यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा निफ्टी बैंक, इसके साथ मैं क्या लगाने वाला हूँ, RSI को लगाऊंगा, ठीक है। तो RSI मेरा किससे ऊपर रहना चाहिए, RSI शुड बी हायर देन, मेरा एक नंबर रहेगा यहाँ पे, इस नंबर को मैं कर दूंगा 55, ठीक है, ओके। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, फिर से मैं सिंबल लगाता हूं यहाँ पे। तो दोस्तों आप इसको एक ही लाइन पे लिख सकते हैं, मैं अलग अलग कर रहा हूं थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। बहुत जन को ये पता भी होगा, लेकिन बहुत जन को नहीं पता है उसीलिए कर रहा हूं। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ निफ्टी बैंक इंडिसेस। तीसरा वाला जो मैं लगाने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा, MACD को करूंगा। MACD, ये मेरा जो MACD हो गया, ये मेरा क्या होना चाहिए, ये मेरा हायर देन होना चाहिए MACD का सिग्नल से, ठीक है। तो मेरा MACD का जो सिग्नल है, तीसरा कंडीशन हो चुका है। चौथा कंडीशन मेरा क्या होना चाहिए, MACD का सिग्नल जो होना चाहिए वो जीरो का ऊपर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीचे भी हायर हो सकता है, तो नहीं होगा, जीरो का ऊपर होने से ही होगा। तो मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा निफ्टी बैंक इंडिसेस, मेरा MACD का जो सिग्नल है That should be higher than zero. That should be higher than, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ, नंबर वो हो गया मेरा जीरो।
ठीक है, चौथा कंडीशन डन। अभी पांचवा कंडीशन जो मैं लगाना बोला हूँ स्टोकैस्टिक्स के ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। तो स्टोकैस्टिक्स भी लगा लेते हैं, निफ्टी बैंक, पता नहीं कितना सिग्नल आने वाला है लेकिन देख लेते हैं। मैं सब सिग्नल को एक साथ करके उसका इंटरसेक्शन करने वाला हूँ कि जो भी इंटरसेक्शन होगा वो बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोकैस्टिक्स, स्टोकैस्टिक्स हो गया, इसको मैं क्या करूंगा, स्टोकैस्टिक्स शुड बी हायर देन मेरा जो स्लो मूविंग स्टोकैस्टिक्स होता है, तो वो रहता है परसेंटेज डी। तो कहाँ गया मेरा परसेंटेज डी, यहाँ पे हो गया परसेंटेज डी, तो मेरा हो गया। और एक कंडीशन, लास्ट कंडीशन जो डिटरमाइन करेगा वो रहेगा मेरा चॉपिनेस इंडेक्स, तो मैं फिर से यहाँ पे सिंबल लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे निफ्टी बैंक, ठीक है, उसमें चॉपिनेस इंडेक्स, चॉपिनेस इंडेक्स जो मेरा रहेगा, ये मेरा चॉपिनेस इंडेक्स होना चाहिए ये 61.8 को क्रॉसेस बिलो करना चाहिए बस। बाकी सब कंडीशन मेरे ग्रीन है, ये बोला मेरे 61.8 का नीचे चला गया तो मेरा काम बन जाना चाहिए, ठीक है। देखता हूँ क्या होता है। अभी एग्जिट कंडीशन डालना है, हम लोग स्टॉप लॉस पे नहीं जाएंगे, हम लोग एग्जिट कंडीशन में जाएंगे। हम लोग सिंपली जाएंगे एग्जिट कंडीशन पे, यहाँ पे सिंबल लगाया, यहाँ पे फिर से निफ्टी बैंक लगा दिया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरा RSI जो है वो अगर क्रॉसेस बिलो 40 करता है, 40 का नीचे अगर चला गया तो मेरा मार्केट नीचे जाने वाला है। मैं सोच रहा हूँ उसी डायरेक्शन पे, ठीक है, मैं और कुछ लगाने वाला नहीं हूँ यहाँ पे, इसको सिंपली 40 कर दिया, ये मेरा डन हो गया। स्टॉप लॉस कुछ नहीं लगाने वाला, मैं सिर्फ RSI के ऊपर खेलने वाला हूँ। एग्जिट कंडीशन जस्ट डिपेंड्स अपॉन RSI, इसको 99 दे दिया, इसको 10% यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ 10%। अभी एडवांस में जाते हैं, यहाँ पे 5-8 से लेके मेरा 2-11 तक है, इसको हम लोग कर देते हैं 9:15 या 9:30 कर देते हैं, बेटर है 9:30, थोड़ा सा जो मार्केट आगे रहता है वो थोड़ा ठीक रहेगा। इसको हम लोग जो टाइम करेंगे ये हम लोग कर देंगे 2:30, उसके बाद हम लोग नहीं घुसेंगे क्योंकि लास्ट में कुछ भी इधर उधर हो सकता है, तो हम लोग 2:30 तक कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे बैंक निफ्टी डायनामिक बाय, ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अगर आप ये सब इंडिकेटर के बारे में नहीं जाने हैं तो लास्ट वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर के बारे में जान सकते हैं, मेरे फिंगर्स क्रॉस्ड है, पता नहीं कितना आ सकता है लेकिन ठीक है, चलिए ओके। सो हम लोग को 22% का रिटर्न आ रहा है टोटल बैक टेस्ट पीएल में, 10 सिग्नल है, एक लॉस है, 9 विन है मेरा, ठीक है। 59,000 आ रहा है, ब्रोकरेज अगर हटा देते हैं तो 56,000 आता है इसमें, तो ये बहुत ही अच्छा है, हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि दिस इज अ गुड रिटर्न, ठीक है। देखते हैं इसको और हम लोग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि नहीं, ये जो टोटल अमाउंट है कोशिश करते हैं, लेट्स सी। तो 5 मिनट का कैंडल हम लोग रखे हैं इसमें, 22-25 को रखे हैं, तो RSI हम लोग ऑलरेडी 55 के अबव कर रहे हैं, इसको भी हम लोग 9 मूविंग एवरेज इज हायर देन कर रहे हैं इसको भी। फिर MACD कैंडल भी हम लोग कर रहे हैं, MACD भी ऊपर जा रहा है, MACD सिग्नल इज हायर देन जीरो ये भी हम लोग रखे हैं, स्टोकैस्टिक्स इज हायर देन दिस एंड चॉपिनेस इंडेक्स क्रॉसेस बिलो 61.8, ठीक है। तो RSI हम लोग कर रहे हैं कि क्रॉसेस बिलो 40, ये हम लोग का एक हो गया है। फिर हम लोग 5-8 से लेके यहाँ तक देख रहे हैं, 9:30 से लेके 2:30 PM तक कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का MIS है एंड पोजीशन साइज इज डन, तो हम लोग का रिटर्न थोड़ा ठीक ठाक ही है। यहाँ पे हम लोग वीकली के ऊपर कर रहे हैं, करंट में कर रहे हैं और लॉन्ग कैंडल पे जा रहे हैं, ठीक है ओके। तो यहां तक तो ये स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, तो मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, तो आपके लिए क्या रहेगा, आप ये स्ट्रेटेजी को देखिए, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में मत लगाइए, आप लोग बाकी दूसरा जो भी रहेगा उसमें भी आप लोग लगाइए इसको, देखिए ये कैसा रिटर्न देता है। मुझे जो लगता है कि ये अच्छा रिटर्न देना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कंडीशंस है जिसका इंटरसेक्शन करके हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा चीज हट जाता है, जो जो आपको रॉन्ग सिग्नल्स मिल सकता था वो सब हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोचिए आपके पास 5 इंडिकेटर
छह इंडिकेटर है, तो एक इंडिकेटर आपको बाई सिग्नल दे रहा है, दूसरा इंडिकेटर आपको बाई सिग्नल दे रहा है, कोई और इंडिकेटर अगर सेल सिग्नल दे रहा है तो ये नहीं घुसने वाला है। तो इसमें क्या हो रहता है, आपको सोचिए यहाँ पे 10 सिग्नल मिल रहा है, ये बाई में मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपका जब सारा इंडिकेटर आपको बाई बोलता है तभी इसमें आपको घुसता है। तो ये एक एग्जाम्पल था कैसे आप बैंक निफ्टी में डायनामिक करके आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट, जो डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसको लेके आप कैसे एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा इंडिकेटर मैंने यूज किया है, आपका भी मन में बहुत सारा इंडिकेटर हो सकता है, तो आप इसको भी उससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा इंडिकेटर आपके लिए बेटर है, कौन सा आपको स्ट्रेटेजी सूट करता है। अभी बहुत जन बोलता है कि आप लोग कभी कभी स्टॉप लॉस तो 99 लगा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एग्जिट कंडीशन लगा कर रख चुका हूँ। तो एग्जिट कंडीशन में क्या हो रहा है, मेरा एग्जिट कंडीशन जब भी मेरा सेटिस्फाई होता है मेरा निकल जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे नॉन फंक्शनल है। अगर मैं कुछ एग्जिट कंडीशन नहीं देता हूं तो मैं 2% 3% 4% में स्टॉप लॉस लगा के भी छोड़ सकता हूं। ठीक है, आप लोग के बारे में भी देख लेते हैं जो लोग ये बोलता है, मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ। अभी देखिए कि इसमें क्या होता है ना, बहुत सारा कभी कभी मार्केट ना थोड़ा सा 3% 4% नीचे आके फिर रिटर्न जाता है, क्योंकि ये सब कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई रहता है, तब भी कभी कभी मार्केट नीचे आता है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ना, अगर कोई बोलते हैं 5% स्टॉप लॉस लगा के देख लेते हैं क्या होता है, आपको बोल सकता हूं कि कभी कभी मार्केट थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाके सारा इंडिकेटर्स आपको बाई सिग्नल पे ही रखता है, लेकिन फिर भी मार्केट आपका फिर रिवर्स कर जाता है। मतलब आपको लगता है कि सेल होने वाला है, लेकिन सारा कंडीशन सारा इंडिकेटर्स बोलता है कि नो इट इज नॉट सेल, फिर वो ऊपर चला जाता है। इसीलिए स्टॉप लॉस को 99% में मैं रख के एक उसका जो एग्जिट कंडीशन है वो देना बेटर है मेरा हिसाब से कभी कभी, क्योंकि एग्जिट कंडीशन में भी आपका हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि आरएसआई जब नीचे चला गया तो मैं सेल कर दूंगा। तो सिंपल बात ये दी है, देखिए ना अभी देखिए आपके सामने है, यहाँ पे देखिए जैसे सिग्नल हो रहा है, दो विन हो रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना मार्केट जैसे ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर गया, हल्का सा नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, फिर अचानक से मार्केट एकदम सही डायरेक्शन में चला गया। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी सिग्नल उसी समय आपको आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट करा के चला जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एग्जिट कंडीशन डाल दीजिए, बेटर है मेरा हिसाब से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज बैक टू नॉर्मल कर देते हैं, अभी 99 ही रखते हैं इसको, 10% टारगेट रखते हैं और सिंपली इसको रखते हैं। तो मेरा हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। अभी आज का वीडियो में हम लोग सी देखे हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पी की तरफ कैसे पाई करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।